हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि 2022 में कांग्रेस सरकार ने चिकित्सा विभाग में 8 कैडरों की भर्ती निकाली थी, इसमें 7 भर्ती के तो उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी और 1 फार्मा की उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट भी जारी नहीं की। हम लोग यहाँ संयुक्त रूप से 8 कैडरों की नियुक्ति के लिए बैठे हैं। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इन 7 कैडरों को 8 कैडरों को एक साथ नियुक्ति देवे लोकसभा चुनाव से पहले पहले, लोकसभा चुनाव के आचार संहिता से पहले पहले देवें, और एक फार्मासिस्ट की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो अतिशीघ्र जारी करें। मैं दीपक कुमार चंगाणी फार्मासिस्ट कैडर से हूँ। सर, आज हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन का 16वां दिन है। इसके अंदर पिछले 8 दिन से हमारे भाई बहन कर्मी कंसर्न भी करें, मगर सरकार अभी तक किसी प्रकार की सहमति नहीं कर पाई है। एक बार डेलीगेशन को बुलाया था, उसमें भी सरकार ने मौखिक सहमति की आशंका जताई थी, मगर हम लोग सरकार से मौखिक न कह के हम सरकार से लिखित में आश्वासन चाहते हैं कि आप इस भर्तियों को कब तक पूरा करेंगे और किस तरीके से पूरा करेंगे, फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट कब जारी करेंगे। सरकार अतिशीघ्र या तो लिखित में हमें इन नियुक्तियों के लिए कैलेंडर जारी करें ताकि हम लोग यहाँ से राजू खुशी घर जा सकें और सरकार हम लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें। मैं जब सरकार ने 8 दिन से कर्मिक अनशन पर ध्यान नहीं दिया तो मैं आज से आमरण अनशन पर बैठा हूँ। मेरा नाम संतोष सैनी है, मैं फार्मासिस्ट कैडर से हूँ। आज हमें 16वां दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है और हम मतलब किस मुसीबत में यहाँ रह के कैसे हम रह रहे हैं ठंड के अंदर। न यहाँ पे मतलब वॉशरूम की कोई वो है, न पानी की कुछ वो है, न खाने की कुछ वो है, कुछ भी मतलब इस तरीके से हम निकाल रहे हैं एक एक दिन करके, लेकिन सरकार को अभी तक कोई होश नहीं आया कि अपनी बहन बेटियाँ कैसे रोडों पे बैठी है। उन सरकारों का ये कहना होता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज हम इसी दिन के लिए पढ़ाते हैं क्या वो बेटियों को, इसी दिन के लिए बचाते हैं क्या, जो आज हमें धरने पर बैठना पड़े और आज हमें यहाँ रात गुजारनी पड़े तो वो हमारी तरफ देख ही नहीं रही है। तो इस दिन के लिए पढ़ाना और बचाना होता है क्या बेटियों को? और मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर हमें 16 दिन हो गए ना, सरकार नहीं देख रही है, आज हमारे दीपक जी हैं, दीपक भैया हैं जो आज बैठे हैं आमरण अनशन पे, और 2-3 दिन में उसके बाद में मैं खुद भी आमरण अनशन पे बैठूंगी, चाहे मुझे मतलब इन सब के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे वो है नहीं कि मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी आमरण अनशन पे बैठना है। अगर मुझे कुछ होता है तो ये भजनलाल की सरकार और चिकित्सा मंदिर की जिम्मेदारी है, वो उनके ऊपर क्या एक्शन आता है और ये लोकसभा के चुनाव हैं, इन पे इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है। मैं तो ये मानती हूँ कि मतलब इतना कुछ होने के बाद अभी मेरी 2 बहनें हैं वो मतलब बेहोश हो गई है, उनको चक्कर वक्कर आ गए, मतलब बेहोश हो गई हैं। अभी 2 एम्बुलेंस आई है, वो गई हैं SMS में, उनको एडमिट करवाया गया है। अब वो कब तक उनको होश आएगा ये भी नहीं पता। मतलब सरकार को मतलब इतनी नींदों में सो रही है सरकार को, इतना भी होश नहीं है कि कैसे बहन बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है। मैं स्वयं माधोपुर से आया हूँ सर यहाँ पे। हम 16 दिन से यहाँ लगातार धरने बैठे हुए हैं, कार्मिक कंसर्न भी कर रहे हैं और आज हमारे दीपक चंगाणी जी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं इस, लेकिन अभी तक सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। और अभी 2 बहनें भी हमारे जो है कार्मिक कंसर्न में बैठी हुई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई है तो उनको SMS एम्बुलेंस में भेज दिया है। क्या वो ये प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा तब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती है। पिछले 16 दिनों से हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी एक ही मांग है भाई, हमारी नियुक्ति जारी करो। सरकार से वार्ता हुई 3 दिन पहले, हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है, मंत्री जी से SC मिला है और उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है कि जल्द आपकी नियुक्ति करेंगे, लेकिन लिखित में अभी तक कोई भी लेटर उनकी तरफ से जारी नहीं हुआ है और मौखिक कोई भी बात वो बोले तो वो मान्य नहीं होती है। आज कह रहे हैं कल मना कर दें, तो हमारा तो उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप जो छोटे कैडर जो तैयार हैं हर तरीके से उनकी लिस्ट जारी कर दो और होल्ड वालों का है जो आप लेटर जारी कर दो और प्रोविजनल सत्या इनकी प्रोविजनल फार्मा की प्रोविजनल जारी कर दो ताकि हम संतुष्ट हो जाएं, जल्द हम समाप्त कर देंगे धरना। और अगर वो जारी नहीं करते हैं तो धरना निरंतर जारी रहेगा।